हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लेकर के आई लौकी की बहुत ही शानदार और बेहतरीन सब्ज़ी, जिसको ना आपने पहले कभी बनाया होगा ना ही पहले कभी खाया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बना लेते हैं मेरे साथ मेरे किचन में लौकी की बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी। देखिए, आज मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके लिए लौकी की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो आपने ना पहले कभी खाई होगी ना पहले कभी बनाई होगी, ये गारंटी है मेरी। तो आज चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, लौकी को मैंने स्क्वायर पीसेस में ऐसे काट लिया है। इसके अंदर के जो सीड्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं निकालने हैं, आप देख सकते हो, बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने उसको निकाल दिया है। ठीक है, अभी मैंने तेल कर दिया है गर्म और उसमें हम लोग इसे हमें 50% तक हमें कुक करना है, हमें ज्यादा कुक नहीं करना है। तो गरम तेल में हम ये सारी लौकी डाल देते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मैंने लौकी ली है। दोस्तों अगर आपने ये सब्जी एक बार बनाई तो आप बार बार यही सब्जी बनाओगे। तो देखिए, आप देख सकते हो हमारी लौकी 50% तक कुक हो चुकी है, इसे हम अभी निकाल लेंगे। इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो देखिए, अभी लौकी में निकाल रही है, अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये स्लाइस की हुई ऑनियन, एक मीडियम साइज की ऑनियन को मैंने स्लाइस कर लिया है। इसे हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, 30 सेकंड तक हमें। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी डाल देती हूँ मैं एक मीडियम साइज की कटी हुई शिमला मिर्च, इसे भी सिर्फ 30 सेकंड तक ही हमें पकाना है, क्योंकि ग्रेवी में जाकर के अनियन और एक कैप्सिकम पकने ही वाली है, इसे बहुत कम करना है। तो इसे भी हम निकाल देंगे। अब ये है मेरे पास एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, जिसके सीड्स मैं निकाल दिए हैं, इसे भी हम 10 से 15 सेकंड के लिए पकाएंगे। गैस बंद कर दिया मैंने और ये टमाटर भी हम निकाल देते हैं। तो देखिए, अभी कर लेते हैं हम आगे की प्रोसेस। अभी ले लिया है मैंने एक पैन, उसमें डालती हूं मैं 1 कप दूध। तो देखिए, दूध मैंने ले लिया है 1 कप, और जो लौकी हमने तली थी उस लौकी पे हम चक्कू से थोड़े थोड़े हम अंदर निशान कर देंगे। सारी लौकी में मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, देखिए बहुत ज्यादा हमें नहीं तोड़नी है, सिर्फ हल्का सा हमें चक्कू से कर देना है। अभी दूध पर आ गया एक बॉईल और ये लौकी हम इसमें डाल देंगे। लौकी को हमें जब तक पकाना है तब तक ये पूरा दूध एब्जॉर्ब ना कर ले। गैस हमें मीडियम रखनी है, जब तक हमारी लौकी भी अच्छे से पक जाएगी और सारा दूध भी लौकी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो देखिए, लौकी ने दूध सारा के सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी गैस बंद कर देती हूँ मैं। अभी डाल देंगे हम इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर,
और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और जो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्ची जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मसाले इस पर एक कोट हो जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने वही कढ़ाई ली है जिसमें मैंने लौकी और अपने प्याज शिमला मिर्ची तली थी, इसका एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है। ऐसे में डाल देती हूँ मैं एक बे लीफ, एक सिनेमन स्टिक, एक इलायची तोड़ के डाल दी मैंने, दो तीन लौंग डाल दी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। जीरा तड़क गया है, अभी इसमें डाल देते हैं हम 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो देखिए, प्याज हो गई है हमारी लाइट ब्राउन, अभी डाल देते हैं हम इसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी हमारा पक गया है, अभी डाल देते हैं हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर। देखिए, अभी साथ में हम डाल देते हैं इसमें मसाले, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1.5 स्पून है हमारा धनिया पाउडर। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने लौकी में और प्याज में नमक हमने पहले डाल दिया था। ऐसे अच्छे से हम लोग पका लेंगे, जब तक तेल ना छूट जाए तब तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। तो देखिए, लहसुन, प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी थी वो भी हमारी बनकर के तैयार हो रही है। अभी इसमें डाल देती हूँ मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टीस्पून डालेंगे हम किचन किंग मसाला। देखिए, मैंने इसमें तेल बहुत कम रखा है क्योंकि मैंने सारी सब्जियां तली थी, इसीलिए अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा तेल आप और डाल सकते हो। दो मिनट तक मसाले भुनने तक हम इसे और पकाएंगे। तो देखिए, सब प्याज, टमाटर, हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अभी हम डाल देते हैं इसमें 1/2 कप वाटर, 2 से 3 उबाल आने पर हम लोग पका लेंगे। तो देखिए, ग्रेवी हो गई है हमारी तैयार, और इसमें डाल देंगे हम घर की बनाई हुई 2 चम्मच मलाई। आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल दिए, मलाई है तो मलाई डाल दीजिए। बहुत ही शाही सब्जी बनकर के तैयार होगी दोस्तों ये हमारी। आप इसके आगे पनीर की सब्जी खाना भूल जाओगे। अभी देखिए, अभी जो हमने सब्जियां सारी तैयार करके रखी थी, लौकी, प्याज और टमाटर,
शिमला मिर्च वो सारी सब्जी हम इसमें डाल देंगे। लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर के तैयार होगी हमारी। ऐसे हम ग्रेवी के साथ 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं तो ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ जाएगा। तो देखिए बनकर के तैयार हो गई है हमारी लाजवाब सी और टेस्टी सब्जी। तो लास्ट में डाल देते हैं हम इसमें कोरिएंडर लीव्स। देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर के तैयार है। अभी हम कर देते हैं गैस बंद और निकाल लेते हैं ऐसे हम एक बाउल में। उम्मीद है आपको मेरी ये सब्जी बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों आप एक बार जरूर बनाकर देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।